नई साइट हमें देखने को जरूर मिली है, बट अंडरस्टैंडेबल भी है अपोक्लिप्स का मैप। और उसी पे लर्न दो निकालने में कामयाब हुए थे, लेकिन आंसर बैक जरूर आया। लाइक का बैक एंड टोन को ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ रही है इस बारी पे। एंड बहुत ज्यादा फार अवे स्पॉन में घुस के सबको एक के बाद एक पिक ऑफ किया। शॉट्स फायर करे, ट्रंक्स ऑलरेडी जीतते हैं उन फाइट्स को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है इस 8 पॉइंट पे, शुरुआत हो चुकी है। दो पॉइंट्स और 2 सेकंड और, नो वन कैन गो इन फॉर द कंटेस्ट। ये शॉट मिस हुआ, बट लेगेसी जस्ट लुक एट हिम, एक एचपी के ऊपर है। द स्पैम इज जस्ट परफेक्ट गेस द फ्रैग। कितनी देर बाद मिलेगा बट अबे जी बिल्कुल, द स्नाइपर और दूसरी तरफ से न्यूट्रिनो। हाउ कैन गॉडलाइक हैव सच अ परफेक्टली टीम प्ले टुवर्ड्स द बी, और जंगल की तरफ ही टीम्स आगे जाती हुई जिसमें स्कल जी सर्च एंड डिस्ट्रॉय का अपने नाम करने से हर एक राउंड को परफेक्टली खेलना पड़ेगा। लेकिन अबे वन फ्रैग ही जोड़ वीवी हु ट्रेड भी अच्छी ली और एडवांटेज बनाया लेगेसी। स्पॉन ट्रैप के लिए न्यूट्रिनो वैसे बीच में जा चुके थे और अब बेडरूम की तरफ स्प्रेडिंग भी करते आ रहे हैं प्लेयर, जहां पे स्नाइपर चल रही है अभी इसकी स्विमिंग पूल में खेलते हुए। एंड ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वहीं पे नोटिस करिए अभी भी उनको ओबीजे का कंट्रोल मिल चुका है बी वाले पे, जिसमें फर्स्ट को पिक तो लॉक हो गया, सेकंड टिक भी स्टार्ट हो चुका है। अब प्रॉब्लम आएगी एंथम के लिए क्योंकि उनको ये प्रोग्रेस रोकना पड़ेगा वरना एक मिनट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। शुरुआत अच्छी मिली थी बट ट्रांस विद अ 3K और बार कामयाबी पाते हुए एंथम को डिमोलिश कर दिया गॉडलाइक ने एक और बार। ज्यादा मैटर नहीं करता है बट हाँ आगाज तो इस समय एक्सेलरेट के पक्ष में हुआ है। फिलहाल प्योरीफायर का इस्तेमाल घोस्ट ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि सामने तीन प्लेयर थे, दो को गिराने में कामयाब हुए वो। साथ ही साथ एनवी इंपॉर्टेंट पिक्स निकालने में कामयाब हो गए और पीछे घूम के अब उन्होंने स्पॉन कंट्रोल ले लिया है, पूरा हिल खाली करवाने में कामयाब। एंड उसके बाद और आगे की तरफ पुश आउट करेंगे साथ, बट उसके बाद शॉट्स ही के वो शॉट्स, ये शॉटगन रुकने का नाम नहीं ले रही। साथ ही साथ एक्सटिंक्स ये भी बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं व्हाटसोएवर। प्रेडी का इस्तेमाल, दो प्लेयर और जाएंगे मिस इन फेवर। यस इट्स द लास्ट 1v1, प्लेयर को साइड करते हुए देखा है, शॉट मारने की कोशिश जरूर थी लेकिन उसके बाद शॉट्स ही का रीपोजिशन। फ्रैग ईट एनवी विद अ ट्रेड, लेकिन बात ये है कि एनवी ही फाइनल डबल, लेकिन कोस्ट का ट्रेड और मिस्टी इज लास्ट पे स्टैंडिंग। बट सर फंस सकते हैं वो घोष के, अगर वो कूदे सही टाइम पे, देख जरूर लिया है उन्होंने, अब मौका जरूर मिल सकता है। ओ माय गॉड, ओ अगेन वेगास आगे जाते हैं जहां पे आपको रेविल से डील करना है इस पॉइंट पे। एंड रेविल रुकने का नाम लेने नहीं वाले ये खिलाड़ी। एंड इसके बावजूद फाइनली शटडाउन जरूर हुआ था लेकिन 4 सेकंड बचे हैं क्लॉक के ऊपर, मौका जरूर मिल सकता है इनको प्लेयर्स को शटडाउन करने का। एंड फाइनली मिल भी जाएगा, एक गिराने में कामयाब, दूसरा कोई आया नहीं लेकिन फाइनली सामने प्लेयर दिखा। लेकिन ग्राउ ज्यादा अच्छी चल गई इस बार, एक पिक और निकाला वेगस के ऊपर। फाइनली बी की तरफ उनको एक हल्की सी ओपनिंग मिली लेकिन इसके बावजूद डील करना है उनको घोस्ट से और वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फ्रैग निकालने में फिर से कामयाबी मिली जरूर है। अनदर पिक, अनदर राउंड गोज इन द फेवर एक, द लास्ट मैन स्टैंडिंग गेट्स टेकन डाउन, गोज विद द फाइनल ब्लो एंड एक्सेलरेट। मैसिव प्ले उनकी तरफ से बनता हुआ है, इसके पीछे रोटेशन काटने की कोशिश, मून की डैशिंग करके बच गए 2v1 की सिचुएशन, फर्क ही नहीं पड़ता। हो गया लक्ष्य का अच्छा आंसर लेकिन जायरो बढ़िया होल्ड डाउन कर रहे हैं अभी अपने फोर्ट को, लो एचपी दोबारा से निकालने में कामयाब, एक प्लेयर को स्मोक के थ्रू दूसरा भी निकाल दिया। एनिहिलेटर के साथ अभी भी 4 गोलियां बाकी है, 3 वापस मिलेंगे रैंडम को। दो और यह छोड़ा नहीं गया तो स्लाइड लेफ्ट एंड राइट, लेकिन जायरो जैसे जैसे करके डुअल भी जीता एंड फाइंड अ डबल एज वेल। की तरफ स्टैक को रखे उसको रोकने की कोशिश है। Oh my god, Prod, no way he gets another one. Random, perfect angle, pixel perfect. हिसाब से perform कर दे, दिखाई नहीं दिए हमको, but toxic एक और pick. ये shot miss जो हुआ था बहुत दिक्कत, लेकिन उसके बावजूद second connect करने में काम, एक और बार clutch में धकेल दिया गया उस खिलाड़ी को. Ring down close, 0.50 GS in the hand, might be able to do the job and random. See spawn हो रहा है, वैसे ही pick off हो रहा है, मौका ही नहीं मिल रहा उनको. इस टाइम पे लेकिन रिपोर्ट के पास एक अच्छा मौका है कि वो चाहे तो रेवेनेंट को स्पॉन ट्रैप कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये दो प्लेयर्स हारे अपनी फाइट और अब सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। 20v24, 18v24 और अब आप प्लेयर्स को गिरते हुए देखिए, तीन प्लेयर एक ट्राइफेक्टा बना लिया उन्होंने स्पॉन के अंदर। देखो प्रोग्रेस ऑलमोस्ट लॉक्ड इन बट आखिरी इंच पे एस्ट्रो सीधा जंप इन करेंगे ओबीजे के अंदर और रोक दिया जाएगा उसको। ओ माय गॉड, रैंडम पंच्ड एस्ट्रो टू डेथ, बट फर्क नहीं पड़ता, बी ऑलरेडी हार चुके हैं वो और ए भी ऑलमोस्ट लॉस्ट फ्यू सेकंड्स। Oh my God! सेकंड से बचाया है यार। मनी हिल का कंट्रोल भी टेक्निकली वाइटालिटी के पास ही है, इवन दो रॉक स्पॉन नहीं है उनके पास, लॉन्ग रेंज में स्पॉन हो रहे हैं और इसी का फायदा उठा के फाइनली आरएचओ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और उसमें
टेक्टोनिक एक पिक निकालने में कामयाब हो गया, उसके पीछे गोज इन फॉर अनदर स्प्रे, टाइप 19 रुक ही नहीं रहे, इंपॉर्टेंट था ये वाले हिल को कन्वर्ट करना, मनी हिल थी वैसे भी है, एंड इसके पीछे ओ माय गॉड नो वे डिस्ट्रक्शन ऑल अराउंड फ्रैगिंग पोटेंशियल ऑन टॉप पर आ रहे जो की तरफ से भी काफी कंपटीशन देखने को मिल रहा है, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग द मैप क्लोजर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस टाइम पे, दोबारा से लॉन्ग रेंज फाइट हिट मार कर आया जरूर था बट इस बार कनेक्ट भी कर लिए शॉट, पूरी टीम फ्लड इन करने की कोशिश में जिसमें जो कोज कर सकते लेकिन अब क्लोज एंड पर्सनल कॉस्मो है इनके पास, लुई को भी टेक डाउन कर दिया गया, कॉस्मो से फाइट और जीत गए सैम्स, इस बार जो कोज स्पॉट्स डस नॉट गेट द फ्रैग क्योंकि क्लोज रेंज में टेक्टोनिक टेक्स अ डबल, परफेक्ट टाइमिंग ढूंढी, रिपोजिशन करके भी निकल चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैग था ये लेकिन उसके बावजूद कॉस्मो का ट्रेड सामने की तरफ से आता हुआ है, लॉन्ग रेंज बैटल में बैक एंड फोर्थ फाइट, मार्वल का अच्छा शॉट, ऐसा लग रहा है वेपनरी के अलावा सारी स्कोर स्ट्रीक और इन्हीं चीजों पे सब बच जाएगा, मार्वल एनाइलेटर से एनाइलेट कर रहे हैं, अनदर फ्रैग टेक्टोनिक और मार्वल सारी ऑपरेटर्स को कर दिया है शट डाउन, अनदर 3-0 इन द ओवरऑल सीरीज और अब Godlike, बनाम Accelerate, Revenant, बनाम Vitality.